Hey guys, welcome back to my Smart World YouTube channel. मेरा नाम है मंजीत और हमारे Most of the Dog Speed की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक काफी क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में जो है माल्टीपू। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस ब्रीड के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में आप लोगों को इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इस क्यूट सी डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज आना के चैनल पर एक बहुत ही फनी वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो फटाफट उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोई जिन लोगों को स्पीड के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि माल्टीज और पूडल मिनिएचर का कॉम्बिनेशन है और इसी वजह से दो अलग अलग ब्रीड्स का नाम जोड़कर इनका नाम बनाया गया है, जैसे माल्टीज का माल्टी और पूडल का पू। तो इसी वजह से इन्हें माल्टीपू कहा जाता है। और शायद आप लोगों को पता होगा पूडल वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वैसे अगर आप लोग इन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो ये इजिली ट्रेंड हो जाते हैं, बट आप लोग इन्हें ज्यादा हार्ड ट्रेंड ना करें। तो दोस्तों ये जो पपीज हैं ये काफी अच्छी क्वालिटी में और काफी क्यूट से हैं। वैसे इनकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, ये 7 to 10 इंचेस तक हो जाते हैं, बट इनकी लाइफ स्पेन बहुत ही बढ़िया है जो है 12 to 14 ईयर्स तक। वैसे अगर आप लोग इनकी अच्छे से केयर करोगे, देखभाल करोगे, तो इनकी लाइफ स्पेन और भी बढ़ सकती है। ये 18 ईयर्स तक इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप लोग इनकी कितनी केयर करते हो और किस तरह की इन्हें डाइट देते हो। और हाँ गाइस, अगर आप लोग माल्टीपू को परचेज करें और आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो इनके साथ रफली खेलकर इन्हें इंजर्ड ना कर दे। और हाँ गाइस, भले ही आप लोगों को माल्टीपू एक टेडी बेयर के जैसे लगते हो, बट ट्रस्ट मी बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है जो पूरा दिन आप लोगों के साथ खेल सकती है। वैसे मैं तो आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ यूनिक रखने का शौक है तो डेफिनेटली आप लोगों को इन पपीज के लिए जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो भाई फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है और मदर की क्वालिटी भी भाई काफी शानदार है। वैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा उस टाइम उसके हेयर ट्रिम करा रखे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग इन पपीज की मदर की क्वालिटी देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि जिन पपीज को आप लोग परचेज करने वाले हैं उनकी हाइट और वो बड़े होकर किस तरह से दिखने वाले हैं। वैसे बड़े होने के बाद भी भाई ये काफी क्यूट से लगते हैं। तो गाइस पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पपीज 38 डेज के हो चुके हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के हैं। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड डिलीवरी में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करना चाहो तो वो ऑप्शन तो सभी के पास अवेलेबल होता है, बट ओनर जो है वो आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड गाइज फाइनली अगर इन क्यूट से पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो गाइज ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 30,000